आपके साथ और आप देख रहे हैं SRB बुलेटिन न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। इंद्रगढ़ में हुई लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। इंद्रगढ़ लूटकांड का पुलिस ने 2 घंटे के अंदर किया खुलासा। कर्ज में दबे गल्ला व्यापारी ने रची थी लूट की झूठी कहानी। पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया खुलासा। इंद्रगढ़ TI बोले, कर्ज में दबे होने के कारण व्यापारी ने रची थी लूट की कहानी, बात में सच उगला। थाना प्रभारी रत्नेश यादव की टीम की मेहनत लाई रंग, स्वयं फरियादी ने कबूला अपना रचा जाल। इंद्रगढ़ पुलिस की सजगता से झूठी सूचना का हुआ पर्दाफाश। आज दिनांक 28 अप्रैल 2020 को करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच रेहान सिद्दीकी पुत्र सुलेमान खान उम्र 30 साल निवासी अंदर बस्ती इंद्रगढ़ द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि कामत रोड चौराहे पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने उससे 3,80,000 रुपये लूट लिए। पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए आसपास के स्थानों की CCTV फुटेज चेक किए गए, जिन पर घटना असत्य पाए जाने से रेहान से कड़ाई से पूछताछ की गई। रेहान द्वारा अपने घर से 3,80,000 रुपये बरामद करवाते हुए बताया कि उसे व्यापार में 3,80,000 का कर्जा हो चुका था, जिसके कारण उसके द्वारा उधारी चुकाने के लिए घटना स्वयं के द्वारा झूठी रची गई थी। पुलिस को गुमराह करने एवं झूठी सूचना देने पर रेहान के विरुद्ध 182 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई। तो वहीं पुलिस ने कहा कि आज दिनांक 28 अप्रैल 2020 को उप निरीक्षक भान सिंह ससोदिया हमरा फोर्स के कस्बा इंद्रगढ़ में लॉकडाउन ड्यूटी कर रहे थे। करीब 1:30 से 2 बजे के दरमियान जैसे ही उप निरीक्षक भान सिंह कामत रोड चौराहा इंद्रगढ़ पहुंचे तो वहां पर पूर्व से मौजूद रेहान सिद्दीकी पुत्र सुलेमान खान उम्र 30 साल निवासी अंदर बस्ती इंद्रगढ़ ने उन्हें रोककर मौखिक सूचना दी कि बीच कामत रोड चौराहे पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने मुझे लात मारकर मुझे गिरा दिया और कट्टा अड़ाकर मेरे पास साफी में बंधे रखे 3,80,000 रुपये नगद लूटकर कामत की तरफ भाग गई। घटनास्थल पर ही बल्लू खान ने अपने घर पर CCTV कैमरा लगा था। घटना की पुष्टि के लिए तत्काल उस CCTV कैमरे की वीडियो फुटेज देखे। रेहान द्वारा बताए गए समय पर उक्त कैमरे में कोई घटना दर्ज नहीं हुई थी। वहीं कड़ाई से पूछताछ की तो रेहान ने स्वीकार किया कि उसके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई। गल्ले के व्यापार में 6.5 लाख रुपए की उधारी हो जाने से पैसा घर वालों को ना देकर उधार चुकाना चाहता था, इसलिए यह लूट की झूठी मौखिक सूचना मैंने पुलिस को दी थी। 3,80,000 रुपये रेहान ने अपने घर से बरामद करा दिए। उक्त मिथ्या सूचना देने पर रेहान के विरुद्ध 182 भारतीय दंड विधान का इस्तगासा तैयार किया गया, जो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इंद्रगढ़ क्षेत्र से SRB पर श्यामू पंडित की रिपोर्ट। रेहान जी, जो है घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना? कहना कुछ नहीं, हमें कर्जा देना था, इस चक्कर में हमने ये किया था। वहाँ पे पुलिस भांजी सुपुरिया जी खड़े हुए थे, उनको सूचना दी हमने। पैसा कुछ था नहीं, पैसा हमारे